नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत। महाभारत संहिता जो कि जय संहिता के नाम से प्रख्यात है, और यह संहिता आपको बता दें, इसलिए हम महाभारत को बहुत ही धाराप्रवाह क्यों बोल लेते हैं, इसका कारण हम आपको बता दें कि जब बच्चे पढ़ना लिखना सीखते हैं क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, तभी हमने पूरा 2000 से अधिक पृष्ठों का महाभारत पढ़ लिया था। तो इसकी वजह से महाभारत एक प्रकार से कहते हैं कि जिसके भीतर समाहित हो जाए, तो महाभारत की पूरी कथा एकदम समाहित है। और जब थोड़ा सा बड़ा हुए तो हमने पूरा संस्कृत साहित्य का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, संस्कृत के साथ, संस्कृत और हिंदी के साथ दोनों ही गीता प्रेस से प्रकाशित है, तो वह महाभारत पूरा हमने लिया। तो जो विक्रेता थे उनको भी आश्चर्य हुआ कि इस उम्र का लड़का जो है ये पूरा महाभारत ले जा रहे हैं, तो बड़ा उन्होंने सम्मान किया। ये भी बहुत ही हमारे लिए उपलब्धि की बात है। अब हम आज जो चर्चा करेंगे कि कौरव और पांडवों का जो संघर्ष होने वाला है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि एक वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा हो गया। पांडव लोग यानी विराट नगर से उपलब्ध नगर में आ गए। विराट नगर की राजधानी के पास में एक दूसरा नगर था जिसे उपलब्ध नगर कहते थे। उन लोगों ने राजधानी में रहना उचित नहीं समझा, अपना अलग आ गए उपलब्ध नगर में। और वहाँ पर रहते हुए वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, सात्यकी वगैरह आए, और उधर से द्रुपद नरेश भी आए, और काशी नरेश वगैरह बहुत सारे लोग आए। और इनकी उपस्थिति में वहाँ पर उत्तरा का विवाह संपन्न हुआ। और उत्तरा के विवाह के अनंतर सारे जो राजाओं की सभा बैठे, और राजाओं की सभा में यह निश्चय करने के लिए बैठे कि क्या क्या किया जाए। तो महाराज युधिष्ठिर जो कि विराट नरेश के पास ही रह रहे थे, उनके पास बैठे, और अन्य राजाओं में सात्यकी राजा नहीं थे वरन भगवान श्री कृष्ण के परम सहयोगी भी थे, लेकिन महापुरुषों में उनकी बहुत ही गणना होती है। तो सात्यकी और द्रुपद, महाराज द्रुपद जो कि उनके के लिए है सभा बैठी कि आगे क्या किया जाए, आगे की योजना क्या हो, क्योंकि यह निश्चित हो चुका था लगभग कि दुर्योधन बिना लड़ाई के बात मानने वाला नहीं। तो सभा का प्रारंभ किया बलराम जी ने। बलराम जी ने कहा कि पांडव लोग जुए में अपना आधा राज्य हार चुके थे, और अब उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से युद्ध से अपना राज्य लेना चाहिए। तो बलराम जी के कहने का मंतव्य यह था कि पांडव अपने मन से खेले थे और वह अपना आधा राज्य हार गए। तो उनकी इस बात से सात्यकी बड़े क्रोधित हुए, जो कि पांडवों के बड़े हितैषी थे, और उन्होंने कहा कि महाराज आप तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे लग रहा है पांडव खुद ही वहां जुआ खेलने गए थे, उन्हें इस कपट द्वीप में आमंत्रित किया गया, युधिष्ठिर तो खेलना भी नहीं चाह रहे थे, आमंत्रित करके उन्हें बुलाया गया और दोबारा भी खेलने का निर्देश दिया गया कि आपको यह जुआ खेलना है। तो उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा मान करके जुआ खेला, फिर भी आप उन्हें दोषी दे रहे हैं, और उस कपट द्वीप में इन लोगों ने तरह तरह की जो शर्तें लगाई, जो इनका अपमान किया, वह किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं था। तो सात्यकी की इस बातों का द्रुपद, महाराज द्रुपद ने बहुत ही जबरदस्त समर्थन दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल कह रहे हैं, इस कपट दूत में पांडवों को जबरदस्ती हराया गया और उन्हें बाध्य किया गया को अपना राज्य छोड़ दें, और आज जब वो दोबारा राज्य देना नहीं चाहते हैं तो इस संदर्भ में संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और महाराज द्रुपद ने कहा कि सैन्य संघर्ष को टालने का भी प्रयास तो किया ही जाए, और हमारे पास एक उपाय और है कि हम सैन्य संग्रह का भी प्रबंध करें। इनकी इस बातों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई हम और हमारे बड़े भैया बलराम जी, हम लोग तो पांडवों के भी संबंधी और कौरवों के भी संबंधी हैं, लेकिन एक बात से बलराम को थोड़ा सा द्वेष था, क्योंकि बलराम जी नहीं चाहते थे कि सुभद्रा के विवाह अर्जुन के साथ हो, वह दुर्योधन के परिवार में करना चाहते थे, धृतराष्ट्र के परिवार में करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से सुभद्रा और जब अर्जुन का विवाह हो गया तो बलराम जी ये कभी नहीं चाहते थे कि अर्जुन को सहायता, लेकिन अब एक परिवार की बात थी इसलिए साथ दे रहे थे ऊपरी मन से। तो ये लोग तो भगवान श्री कृष्ण से समझाया कि हमें शांति का भी रास्ता अपनाना है और सैन्य उद्योग के लिए भी प्रयास करते रहना है, और विवाह के अनंतर हम लोग अपना द्वारिका लौट जा रहे हैं,
और आप लोग सैन्य संघर्ष सैन्य तैयारियां करें और जब भी सूचना मिले तो हमें बताएं। तो यह सारी कहानी के अंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आज सब लोग द्वारका लौट गए और युधिष्ठिर ने अपना सैन्य संग्रह शुरू किया और इसी क्रम में दुर्योधन भी नहीं बैठने वाला था। उन्होंने तरह तरह की राजाओं को अपना संदेश भेजा और सैन्य संग्रहित करने का प्रयास किया। जब दुर्योधन को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुंच चुके हैं तो उनसे भी सहायता मांगने वह द्वारिका पहुंच गया और जब द्वारिका पहुंचा तो उसी समय अर्जुन भी द्वारिका पहुंच गए और दुर्योधन चूंकि अर्जुन से बड़ा था और श्री कृष्ण से भी बड़ा था उम्र में तो जा करके इनके सिरहाने एक ऊंचे आसन पर बैठ गया और अर्जुन वहीं इनके पैर की तरफ हाथ जोड़कर खड़े रहे। तो कुछ देर में भगवान श्री कृष्ण की नींद टूटी। जब उनकी नींद समाप्त हुआ उन्होंने देखा अर्जुन को खड़े हुए अपने सामने पाया तो उन्होंने कुशल क्षेम पूछा तो अर्जुन ने बताया सब कुछ सकुशल है, मैं एकदम प्रसन्न हूँ। तभी उनकी नज़र दुर्योधन पर भी पड़ी तो उन्होंने दुर्योधन से भी पूछा कि भाई कहो दुर्योधन कैसे आए। तो दुर्योधन ने कहा कि प्रभु ऐसा लग रहा है कि हमारा और पांडवों का युद्ध निश्चित हो गया है तो ऐसे संदर्भ में आपसे सहायता चाहता हूँ, काफी मेरी सहायता। तो भगवान ने पहले अर्जुन के लिए कहा कि भाई अर्जुन आपको जो मांगना है मांग सकते हैं। इस पर दुर्योधन ने प्रतिवाद किया कि मैं पहले आया था इसलिए मेरा पहला हक है मांगने का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो दो दृष्टियों से मैं अर्जुन को प्रथम मान रहा हूँ। एक तो मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है इसलिए मैं अर्जुन को ही पहले चाहूंगा कि अर्जुन ही पहले मांगे। दूसरे किसी मांगने के संदर्भ में छोटों का अधिकार ज्यादा होता है बड़ों का अधिकार कम होता है तो इस दृश्य भी मैं अर्जुन को ही उचित मांगूंगा। तो भगवान ने अर्जुन को विकल्प दिया कि दो विकल्प, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है जो कि बहुत मजबूत और बलवान है और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध में लड़ूंगा नहीं। अब आप दोनों में से कोई भी चुनना हो चुन लीजिए। तो अर्जुन ने बिना समय गवाए बिना किसी चिंता के तुरंत ही भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु आपके अलावा इस दुनिया में मैं किसी को नहीं चुन सकता। अब दुर्योधन जो कि चाह रहा था कि कहीं अर्जुन नारायणी सेना ने मांग ले तो उसके दिल की मुराद पूरी हो गई तो बहुत परम प्रसन्न हो गया और उसने भगवान को प्रणाम किया कहा ठीक है प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। और प्रसन्नतापूर्ण उसने सोचा मैंने अर्जुन को तो आज ठग लिया, अर्जुन बहुत ही मूर्ख बन गया और जाके बलराम जी से भी मिला उनसे भी सहायता की याचना किया तो बलराम जी ने कहा कि भाई देखो मैं अर्जुन की सहायता तो करूँगा नहीं और भगवान कृष्ण आपके साथ है नहीं इस वजह से मैं आपकी भी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि जिधर कृष्ण हैं उधर मुझे भी रहना चाहिए, मेरे छोटे भाई हैं मैं उनका विरोध कैसे कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर के मैं इस युद्ध से ही तटस्थ रहूंगा, न मैं तुम्हारी सहायता करूंगा न पांडवों की सहायता करूंगा। तो उनसे इस प्रकार का जवाब पा करके दुर्योधन बहुत ही प्रसन्नतापूर्ण मन से लौट आया कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ मुझे नारायणी सेना मिल गई। और इधर द्रुपद महाराज पांचाल नरेश द्रुपद जी ने 3 अछौड़ी सेना इकट्ठा किया और काशीराज 2 अछौड़ी सेना लेकर के आए और शेष 2 अछौड़ी सेना पांडवों ने अन्य जगहों से कुल मिलाकर इकट्ठा किया। तो कुल मिलाकर के पांडवों के पक्ष में 7 अछौड़ी सेना हुई और कौरवों ने 11 अछौड़ी सेना इकट्ठा कर लिया तो उनका सैन्य भंडार थोड़ा इनसे ज्यादा हो गया। तभी संत महाराजा शल्य जो कि मद्र देश के राजा थे मद्र नरेश थे वह माद्री के सगे भाई थे और नकुल और सहदेव के मामा, वो अपनी भारी सेना लेकर जब चले पांडवों की मदद करने के लिए तो दुर्योधन बहुत चतुर था और उसने सोचा कि मामा से भी कुछ न कुछ मदद लिया जाए और उसने रास्ते में तरह तरह के सराय वगैरह बना करके उन्होंने बहुत ही अच्छी सेवा की। तो जब मद्र नरेश ने देखा महाराज स्थल ने देखा कि मेरे आवागमन में इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है तो उन्होंने दूतों से कहा जो वहाँ के सेवक थे कि जिसने प्रबंध किया मैं उसे मुँह मांगा वरदान देने के लिए तैयार हूँ उसे बुलाओ। तो जब सेवकों ने दुर्योधन को बुलाया तो महाराज स्थल आश्चर्यचकित रह गए
उन्होंने कहा, मैंने सेवकों से यह कहा है कि जो भी मेरी सेवा कर रहा उसे मुंह मांगा वरदान दूंगा, तो बताओ दुर्योधन तुम क्या चाहते हो? अब अंधा आप क्या चाहे दो आंखें? दुर्योधन तो चाह ही रहा था कि मेरी तरफ ये युद्ध करें। उसने तुरंत कहा कि मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ से लड़ें, क्योंकि आप मेरे भी उतने ही संबंधी जितने पांडवों के हैं, तो इस युद्ध में आप मेरा साथ दें। आप मद्राशल्य अपनी बातों के बंधन में बंध गए और उन्होंने दुर्योधन की तरफ से लड़ना स्वीकार कर लिया। तो इस कथा से एक सीख और मिलती है कि अगर आपकी माँ न हो तो आपके मामा वगैरह इतना साथ देने के लिए तैयार नहीं होंगे जैसा कि मद्रास शल्य ने दिया। अगर काश उस समय माद्री जिंदा होती तो महाराज शल्य की इतनी हिम्मत न होती तो दुर्योधन को वरदान दे देते। लेकिन अब समय की बात है और कभी भी आदमी को असावधान नहीं रहना चाहिए अपने शत्रु पक्ष की तरफ से। क्यों? क्योंकि पांडव अगर असावधान होते और अर्जुन वगैरह ने इंद्रादि देवताओं से भगवान शंकर से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा न ली होती तो 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडव पुनः ही बन बन भटकते रहते और वह लड़ाई के लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, क्योंकि कौरवों के पक्ष में भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे महान धनुर्वेत्ता थे, महान अस्त्रों के ज्ञाता थे। इनके पक्ष में, इनसे विपक्ष के लड़ने के लिए एक महान धनुधर की आवश्यकता थी और पांडवों के पक्ष में वो अर्जुन थे और जिस बल की आवश्यकता थी वह भीम थे। तो पांडव खुद में ही शक्तिशाली थे कौरवों का पक्ष इसलिए, और दूसरी बात पांडवों को भगवान श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त थी। इस प्रकार से हमें हमेशा ही अपना सबल बनने का प्रयास करना चाहिए। देश, समाज और राष्ट्र को हमेशा जागृत अवस्था में रह करके अपने उन्नत के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने घर में जितने भी फोन हो, नाते रिश्तेदार हो, सबको सब्सक्राइब करवा करके और सबको शेयर करें। सबको शांति।